कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं। वैक्सीनेशन मैंने करवाई, मुझे करवाई हुई तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया। तो वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट और वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है इस बारे में बात करते हैं। वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है कि कुछ दिन पहले वैक्सीनेशन करवाए हुए मुझे कम से कम डेढ़ दो हफ्ते हो गए। तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद मैं गई थी अपनी अम्मी के घर। तो अबू को हो रहा था वहाँ फीवर हो रहा था। तो जब वैक्सीनेशन के बाद जब मैं गई तो अबू को हो रहा था फीवर के बाद मैं घर पे आ गई। तो मुझे तो वैक्सीनेशन की वजह से बुखार, सर में दर्द बहुत था। वैक्सीनेशन के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन ये था कि पता था कि वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है, लेकिन अबू की वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उनको तेज़ बुखार हुआ हुआ था। किसी वजह से, मौसम की वजह से हुआ होगा बुखार। तो अच्छा, अब्बू को हुआ। हमारे घर में सिर्फ मेरी वैक्सीनेशन हुई है और भाई की, दो बंदों की हुई है, और ना भाभी की हुई है और ना अम्मी की। तो जब वैक्सीनेशन मैंने करवाई और मैं अम्मी के घर गई, तो घर पर आने के बाद मुझे नॉर्मल जिस्म में दर्द, सर में दर्द था जो होता है। लेकिन अब्बू का जो बुखार था, वायरल जो फैला था, वो हमारी लगा भाभी को, अम्मी को, ये लोग 103 बुखार से उतर नहीं रहा था इन लोगों का काफ़ी दिन से ना। लेकिन जो भाई था, भाइयों मेरी वैक्सीनेशन हुई थी तो हम लोगों को बुखार नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कि वैक्सीनेशन हुई थी। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे अब्बू की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, आज 10वां दिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और भाई सिर्फ हम दो हैं घर में ऐसे जो बिल्कुल ओके हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और भाभी को भी बहुत तेज़ फीवर हो रहा है। तो वैक्सीनेशन प्लीज़ करवाएं। मैंने करवाई थी साइनोवैक्स। सर में बहुत दर्द रहा, कम से कम हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहा, और बुखार भी था, बुखार नहीं कहेंगे, बॉडी पेन बहुत था। तो बस यही है, वैक्सीनेशन करवाएंगे तो इन सब चीज़ों से महफूज रहेंगे। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ आज पार्क। यहाँ बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग उठे हुए हैं तैमूर की वजह से। तैमूर रात भर सोता नहीं है, तो और ना सोता है ना सोने देता है, तो वो कहानी है। और आप सुबह 5 बजे देखें हमारे घर में किस कदर सन्नाटा हो रहा है। सब सो रहे होते हैं अपने अपने कमरों में, सास अपने कमरे में होती हैं, अम्मी हमारी और मैं और शर्जील अपने रूम में होते हैं। और बाकी किचन देखें, किचन किस कदर रात में फैला हुआ है, सुबह 5 बजे फैला हुआ है। सुबह मासी आएगी तो वही सही करेगी। हिम्मत नहीं हो रही आज, बॉडी पेन काफ़ी था, वो वैक्सीनेशन का असर है। बाकी अब मैं सुबह आके मौसम दिखाती हूँ आपको। मौसम देखिए किस कदर प्यारा हो रहा है। और ये इनका रात में ही पानी रख देते हैं, पानी दाना चुड़ियों का, तो आके माशाल्लाह रोज़ आना। अभी तो बहुत सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ी आई हैं, वरना बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पर। बाकी कल रात में कपड़े धोने पड़े, मासी ने धोखा दे दिया था तो खुद ही धोने पड़े। और चलें बाहर चलते हैं, हम बाहर दिखाते हैं आपको। कितना सन्नाटा हो रहा है बाहर भी, सुबह के 6 बज रहे हैं, कोई उठा हुआ नहीं होता, ना कोई शॉप खुली हुई है। असल में लॉकडाउन भी है, तो लॉकडाउन में तो वैसे ही सब अपने अपने घर होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे एरिया में कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा रहता है दिन भर ना, इतनी कोई गहमा गहमी नहीं होती। हाँ शाम में 4 बजे 5 बजे बच्चे निकलते हैं, बाकी बहुत सन्नाटा ही रहता है यहाँ पर। बाकी मैंने सोचा आपको बाहर से भी घर दिखाऊं, एंजॉय कर सकें आप घर बैठे बैठे वीडियो देखें। ये है हमारे बाहर का हिस्सा। पता नहीं इस बार क्या हुआ, जब से चीकू का पेड़ कटवाया है इतने चीकू नहीं निकल रहे, वरना इतने होते थे कि गिरते थे हम लोग, मतलब तोड़ते नहीं थे तो गिर के ही वो हम रख लेते थे उसको जब वो गिरते थे। लेकिन ना इस बार तो निकल ही नहीं रहे, पता नहीं 1 महीने से क्या हुआ है कि चीकू निकलना ही बंद हो गया है। हम चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ हो रही है शाम और हमारे पार्क, पार्क के सामने ये घर बना हुआ है। जब भी मैं पार्क आती हूँ तो ये घर देखती हूँ, मुझे इस कदर ये घर पसंद है। इसमें मिरर लगे हुए हर जगह वॉल्स पे, और बहुत प्यारा ये घर है, बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा अगर कोई देख ले तो नज़रें नहीं हटती इस पे से, मुझे तो बहुत पसंद है। और बाकी पार्क में भी हो रहा है बहुत सन्नाटा। 4:30 बजे शाम का टाइम था, इतना कोई लोग आते नहीं है यहाँ पे। इस टाइम 6 बजे रश लगता है यहाँ पे, और
यहाँ से ग्रिल टूटी हुई थी, तो हम वहाँ से आए, बाकी दरवाज़ा बंद था। बाकी तैमूर फुल इन्जॉय कर रहे, तैमूर का फ्रेंड भी बना था, और तैमूर अगर पार चला जाए तो वापस लाना तैमूर को मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता। बाकी आप देखें किस कदर सन्नाटा हो रहा है, मतलब बहुत कम लोग हैं, मुश्किल से 10-20 अफराद होंगे वहाँ पे, फिर ज़्यादा नहीं थे। बाकी मौसम देखें, मौसम बहुत प्यारा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप नहीं थी बस। ये है गुलशन का पटेल हॉस्पिटल के बैक साइड पे जो पार्क है, ये वो पार्क है। बाकी देखें बादल कैसे हो रहे हैं, घने घने बादल, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके शाम में। फिर हम निकले पेट्रोल डलना, पेट्रोल शर्जी को मैंने कहा था आप दिखाएं यहाँ पे इस कब्रिस्तान में, शायद आप फ्रीदी के माँ बाप की भी कब्र है। ये कब्र जो है ग्रिल में, ये शायद अफरीदी की माँ और बाप की, अक्सर शायद अफरीदी आता है यहाँ पे। और बाकी आप देखें यहाँ बहुत दिल दुखता है, छोटी छोटी कब्रें देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा दिल अजीब सा हो जाता है यहाँ पे आने में, इसलिए मैं अंदर नहीं जाती, शरीर होकर आ जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी कब्रें हैं। मुझे सब्जी चाहिए थी कुछ, और रात में मैक्रोनी चाहिए, शिमला मिर्च और गाजर चाहिए थी, तो मैं देख रही थी सब्जी कोई खास थी नहीं, बस शिमला मिर्च बहुत फ्रेश थी और गाजर तो मौसम की आ नहीं रही है। काफ़ी हमारे काफ़ी आगे एक बोट है छोटा सा, तो वहाँ से हमने सब्जी ली। फिर मैं घर पे आई तो शर्जील को लग रही थी भूख, शर्जील ने कहा छोले बना दो, तो मैंने कल छोले बॉयल करके रख लिए थे, तो यही निकाल के मैंने दिए शर्जील को। शाम में अच्छे लगते हैं छोले हो, समोसे हो, चाय हो, तो खाने में मज़ा आता है। मुझे तो खैर प्याज वाले बिल्कुल नहीं पसंद, मैं तो खाती हूँ खाली नमकीन, नमक बगैर पानी के जो होते हैं, जो फ्रेश फ्रेश उबले हुए हों वो। बाकी मैं इसको लगी हूँ गरम करने, मैं इसको कर रही हूँ गरम। गरम होने के बाद फिर हम मंगवाएंगे समोसे शाम में, आज मौसम अच्छा है तो बहुत दिल चाह रहा था समोसे और जलेबी खाने का, इतने में आ गया अनाबिया। अनाबिया बहुत प्यारी है,
ये शुजील की भतीजी है और इसका हेयर स्टाइल देखें कितना प्यारा है। इसकी मामा बनाती हैं हर कुछ स्टाइल वगैरह तैयार भी इसकी मामा ने किया है। टॉप्स कितने प्यारे लग रहे हैं इसके, खुद भी बहुत सीधी है बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने शाम की तैयारी शुरू करी, चाय बनाई, छोले गरम हो चुके थे तो छोलों में मुझे डालनी थी प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर। तो एक तरफ चाय चढ़ाई और दूसरी तरफ छोले गरम करने रखे और बचे हुए छोले मैंने रखे फ्रिज के अंदर। फ्रिज हमारे घर दो हैं, तो एक डीप फ्रीज़र है और दो फ्रिज हैं, तो इस फ्रिज में हम जो किचन का ज़रूरी सामान होता है वही रखते हैं। तो यहाँ से उठाए मैंने एक प्याज और प्याज को बारीक बारीक काट कर डाल दिया और ये बन गए हमारे छोले। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई मिर्चें और नमक। और यहाँ शुजील लेकर आए अलमीन से समोसे और छोले मैंने घर में बनाए। और यहाँ मैंने चढ़ाया कहवा थोड़ी देर बाद। शुजील के गले में काफ़ी दर्द हो रहा था तो अदरक, नींबू, दालचीनी और लौंग का कहवा बनाया मैंने। नींबू इतने बड़े साइज़ के थे और जब फ्रेश फ्रेश नींबू लेकर आए, वरना नींबू बहुत छोटे साइज़ के आते हैं। यहाँ मैं मैक्रोनी के लिए निकाली है मैंने कीमा, कीमा भूनूंगी। यहाँ मैंने कीमा लिया है, अदरक लहसुन लिया है, नमक मिर्च, काली मिर्ची ली है और गरम मसाला लिया थोड़ा सा। ये लहसुन अदरक है, ये बीप का कीमा है, ये प्याज है और ये हमारे टमाटर हैं। तो हम यहाँ शुरू करेंगे अपना कीमा बनाने। यहाँ हमने एक डेगची ली, उसमें हमने डाला ऑयल, ईवा ऑयल। ईवा अच्छा, काफ़ी अच्छा होता है। तो उसमें हमने प्याज बारीक बारीक काट कर डाल दी। प्याज को हम इतना कर देंगे ब्राउन, बस इसका कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, फिर कीमा जो है वो डार्क ब्राउन कलर का बनता है, उसमें देखने में मज़ा नहीं आता। और चाहे तो आप इसमें गर्म मसाला भी डाल सकते हैं, साबुत, मैंने तो पिस्ता वाला लिया था, लेकिन आप गरम मसाला साबुत भी डाल सकते हैं। तो यहाँ प्याज फ्राई होने के बाद मैंने डाल दिया कीमा। कीमा डालने के बाद इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, प्याज में के प्याज जले नहीं, इसको मैश कर लेंगे, चिपक चिपकता है तो इसलिए मैंने इसमें पहले से ही डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के बाद मैंने इसमें चमचा चलाया अच्छे से, जब चिपकना फिर भी नहीं चिपकने से हट रहा था तो टमाटर भी मैंने साथ ही डाल दिए। तो टमाटर मैंने बहुत ही कम इसलिए लिए कि मुझे बिल्कुल रूखा रूखा कीमा चाहिए, मतलब जूसी जूसी ना हो, पानी ना हो उसमें बिल्कुल भी, खुश्क नहीं होता। इसको भूनने के बाद, इसको भूनेंगे हम काफ़ी, क्योंकि बकरे के गोश्त में थोड़ी स्मेल होती है, तो इसमें नमक, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ हमने डाल दिया। और डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ दूसरे चूल्हे पर मैंने दूध गर्म करने रखा है रात के लिए। और यहाँ कीमा बहुत अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम एक गिलास पानी, लेकिन अभी मुझे इसमें काफ़ी लग रहा है कि किसान नहीं निकली होगी, तो इसलिए हम इसको भूनेंगे थोड़ा और। जब भून जाएगा फिर इसमें डलेगा एक गिलास पानी, जब वो पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर भूनेंगे, फिर पानी डाल के पकेगा, तो इस तरह से इसमें स्मेल भी नहीं आएगी। और मैंने पानी इसलिए, कलर ऐसा हो रहा है पानी का, इसमें मसाले थे, मसाले लगे रह गए थे, तो इसी में पानी डाल के मैंने कीमा भूना। कीमे का कलर आप चेक करें कितना अच्छा है, ऑयल कम डाला है हमने काफ़ी, क्योंकि ड्राई ड्राई चाहिए था हमें। और यहाँ डाल दिया मैंने इसमें पानी, पानी डाल के इसको ढककर हल्की आंच पे रख देंगे और बाकी हम करेंगे मैक्रोनी की तैयारी। तो यहाँ मैंने बारीक बारीक शिमला मिर्च काट के रखी है, कॉर्नस हैं और ये हैं, ये चेडर चीज़ है और ये मोज़रेला चीज़ है और ये हमने इस ब्रांड के कॉर्नस लिए हैं, मशरूम भी लिए हैं हमने और बाकी चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, कॉर्न और हरी मिर्चें और गाजर और ये वो है। तो हम इसको थोड़ा बॉईल कर लेंगे, क्योंकि मशरूम जो हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं और कॉर्न भी काफ़ी हार्ड थे, तो इसको आधे से एक घंटे के लेकर अच्छे से बॉईल कर लें। जब ये बॉईल हो जाएंगे तो हम चूल्हा बंद कर देंगे
अभी हमने इसको रखा है बॉयल होने, इतने हो जाए आप एक चक्के देख लीजिएगा, अगर आपको आधे घंटे में लगता है कि ये आधे घंटे में हो गए तो आधे घंटे में ही हम निकाल लेंगे। बाकी ये कीमे में अभी थोड़ा पानी बाकी है, लेकिन खुशबू बहुत बहुत अच्छी आ रही थी, देखा कितना ड्राई ड्राई हो गया और पानी भी इसका खुश्क हो गया। यहाँ हमने मैक्रोनी बॉयल होने रखी और इसमें 2 चम्मच हमने डाले नमक के और 2 डाले ऑयल के, 2 टेबलस्पून। और यहाँ मैंने फ्राई पैन गरम होने रखा और इसमें डाला ईवा ऑयल, ऑयल हम ज़्यादा लेंगे थोड़ा, इससे थोड़ी अच्छा जूसी जूसी बनती है। और इसमें हम डाल देंगे मशरूम्स और कॉर्न्स, इसको डाल के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इतना फ्राई कर लेंगे थोड़ा थोड़े हार्ड हो जाएंगे फ्राई करने के बाद, क्योंकि बॉयल के बाद काफ़ी नरम हो गए थे। अब इसको हल्का सा हम फ्राई करके इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, तो हम इसको अच्छे से थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे हल्की आँच पे, ज़्यादा मत करिएगा लगना शुरू हो जाते हैं ये और कौन जो छलना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हल्की आँच पे रखेंगे। वहाँ मैक्रोनी चूल्हे पर है और यहाँ ये सब्ज़ी फ्राई हो चुकी है, तो हम शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्च को हम फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि शिमला मिर्च पानी छोड़ के मुरझा जाती है, तो इसलिए पानी हम नहीं इसका ख़त्म होने देंगे। इसको हल्का हम खड़ी खड़ी सब्ज़ी रखेंगे ताकि इसका कलर वैसे ही रहे, वरना ब्राउन ब्राउन कलर आने लगता है शिमला मिर्च का। तो खुशबू इस कदर मज़े की आ रही थी, जल जा रहा था उसी टाइम खाने बैठ जाऊँ, लेकिन काफ़ी टाइम था। और इसमें हम डालेंगे मसाले, मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्चें और नमक, 3 चीज़ें हम डालेंगे। और अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। बाकी खुशबू काली मिर्चों की तो आपको पता ही जाएंगी, इसमें खुशबू किस तरह उठती है, बहुत 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 अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ हमारी मैक्रोनी हो गई है बॉयल, हाँ जी मैक्रोनी हो गई है हमारी बॉयल, और इसको हम अब छान लेंगे। हाथ जल रहा था और डेगची भी हाथ से छूटने लगी थी, तो पहले मैंने सही कर ली, अब उसके बाद हम इसको अच्छे से इसका पानी ड्रेन कर देंगे। पानी ड्रेन करने के बाद 5 मिनट के लिए पंखे में इसको और ठंडे पानी में छोड़ देंगे, पंखा चलता हुआ, पहले पानी से वॉश कर लेंगे इसको, फिर उसके बाद हम इसको ड्राई कर लेंगे। और यहाँ हमारी बिल्कुल रेडी है सब्ज़ी, और यहाँ हमारा कीमा भी बिल्कुल रेडी है, और कीमा हम डाल देंगे एक डेगची में, और फिर सब्ज़ी भी डाल देंगे हम, जो हमने सब्ज़ियाँ फ्राई करी थी, कॉर्न्स फ्राई करे थे वो हम डाल देंगे। तो कलर आप चेक करिएगा कितना प्यारा आएगा अभी, ये तो अभी ऐसे लग रहा था, कीमा भी ऐसा हम बना सकते हैं इसे खा लें, राइस भी बहुत अच्छे बनेंगे इसके। बाकी मैक्रोनी जो है वो हमने रखी थी ठंडी होने के बाद मैंने इसको एक डेगची के ऊपर रख दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए 5-6 मिनट बाद। इस तरह से हमने इसका पानी खुश्क कर लिया था, अब हम मैक्रोनी सबसे ऊपर डाल देंगे। आपका जो भी चाहे ऊपर डाल सकते हैं, काली मिर्च, नमक, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, लेकिन हमने कीमे में बनाई थी तो मुझे ज़्यादा कीमे का ही टेस्ट अच्छा लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं, केचप डाला था, सोया सॉस डाला था मैंने, मायोनीज यंग्स का डाला था, सोया सॉस 1 टेबलस्पून डालिएगा। और यहाँ मैंने डाला केचप, थोड़ी से घिली घिली टाइप की बनती है और टेस्ट भी अच्छा, थोड़ा खट्टा खट्टा आता है, केचप डाला। और यहाँ मैंने डाला थोड़ा सा मायोनीज, मायोनीज तो यंग्स का ही अच्छा लगता है, उसके अलावा तो मैं कोई खाती भी नहीं, तो यहाँ हमने यंग्स का मायोनीज 2 टेबलस्पून ऐड करा, चाहे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कलर देखें कितना प्यारा लग रहा है, केचप मायोनीज और उसका यहाँ हमने मिक्स कर ली। और यहाँ मैंने मोज़रेला और चेटर चीज़ ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखी थी कि थोड़ी सी इस पर डाल दूँ, लेकिन ये इसमें
जम गई थी, प्याले में जम गई थी, तो बहुत मुश्किल से निकल रही है। फ्रीज़र में रख दी थी मैंने क्योंकि मेल्ट ना हो। बाकी चेडर चीज़ का तो खैर मज़ा ही अपना है, मोज़रेला तो खाली देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जो असल मज़ा है वो चेडर में है। तो यहाँ मैं ढक दूँगी इस पर एक ढक्कन इस तरह से कुछ, और हम खोलेंगे तो इस तरह की इसकी शक्ल आएगी, और इसमें चलाएंगे हम चमचा। देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ मसाला वगैरह बिल्कुल बराबर का था, कोई नमक ज़्यादा नहीं था, मिर्ची नहीं, बिल्कुल मज़ेदार बनी थी। और मेरे हाथ की सब बहुत शौक से भी खाते हैं, मेरी कज़न्स को बहुत पसंद है, किसी दिन मिलवाऊँगी इंशाल्लाह आप लोगों को। और यहाँ तैमूर जो है बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, तैमूर बहुत शौक से, तैमूर इधर आना जल्दी से आओ। और बाकी 5 मिनट लग गए, यहाँ तैमूर आए, वेट कर रहे थे तैमूर किचन में खड़े होके कि कब बनेगी और कब मैं खाऊं। तो आके खड़ा हो गया और मांगने लगा, और सबको हेलो भी कर रहा है, प्यार भी कर रहा है, और ऐसे सलाम करो, बहुत एक्साइटेड था तैमूर हमारा, ऐसे करो अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ मैंने प्लेट में निकाल के मैक्रोनी, अब मैं चली कमरे की तरफ तैमूर का खाना लेकर। और यहाँ जो हैं तैमूर अपने बाबा के साथ बैठे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन हाथ में लेकिन हाथ से बात कर रहे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और तैमूर बहुत खुश था, तैमूर वीडियो बहुत खुशी से बनवाता है, यहाँ शर्जील खा रहे थे। करो करो कुछ मज़ेदार।